नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है चैनल कॉम्पिटिशन अड्डा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संविदा शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर के जो भी न्यूज मिल रहे हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। साथ ही मैं आप सबको बता दूं कि न्यूज़पेपर की कटिंग के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वीडियो अपलोड करने के बाद मैं इसका PDF फाइल पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम में जाके कॉम्पिटिशन अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, डायरेक्टली मैं आपको न्यूज़ पर लेकर के चलता हूँ कि क्या न्यूज़ है। न्यूज़ ये निकल के आ रही है, ये DB स्टार इंदौर का न्यूज़पेपर है जो कि 29 मार्च का है। ठीक है, ये सोर्स मैंने आपको बता दिया है, आप डायरेक्टली ई पेपर के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें यह लिखा हुआ है कि नियमों में उलझी शिक्षकों की भर्ती, अध्यापक संवर्ग के संविलियन से फंसा नियुक्ति का पेच। संविदा शिक्षक की भर्ती नियमों में उलझ गई है, अध्यापक संवर्ग की संविलियन से मामला फंस गया है। सरकार तय नहीं कर पा रही है कि मौजूदा नियमों के अनुसार संविदा शिक्षकों की भर्ती करें या नए सेटअप में सीधे नियमित पद पर नियुक्ति की जाए। ठीक है, साथ में कंप्लीट न्यूज चैनल में दिखा देता हूँ आप लोग को। ये तो वही दिया हुआ है कि 32,000 पद खाली हैं, जो आपने कई बार सुने होंगे दोस्तों। साथ में किसमें कितने पद खाली ये हम देख लेते हैं। तो वर्ग एक के 10,905 पद हैं, वहीं वर्ग दो के 11,200 पद हैं, वर्ग तीन के 9,540 पद हैं। ठीक है, अब क्या नियम है चलिए हम वो समझते हैं जो न्यूज़पेपर में निकला हुआ है। मौजूदा अध्यापक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का हिस्सा है, इन्हें वेतन तो शिक्षा विभाग देता है लेकिन नियुक्ति पंचायत विभाग से संविदा शिक्षक के रूप में होती है। संविदा शिक्षक 3 साल बाद अध्यापक बनते हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में लेने पर मौजूदा नियम बदलना होंगे। इससे संभव है कि पंचायत विभाग के तहत बने संविदा शिक्षक भर्ती नियम भी खत्म हो जाएं, तब संविदा वर्ग 1, 2 एवं 3 भर्ती नहीं हो सकेगी। ऐसी सूरत में नए शिक्षकों को LDT सहायक शिक्षक, UDT उच्च श्रेणी शिक्षक और लेक्चरर ही रखना होगा। इसी चक्कर में मामला अटका हुआ है। ठीक है, अब इसका जो और बचा हुआ न्यूज है वो 2 नंबर पेज पे, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, तो इसमें ये न्यूज है कि दावा भर्ती का पर चुनाव होने से गुंजाइश कम। ठीक है, शिक्षा विभाग ने पिछले कुछ समय में शिक्षकों की भर्ती की कवायद तेज कर दी थी। 25% सीटें अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित करने के बाद फरवरी में नए ड्राफ्ट का प्रारंभिक गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सूत्रों की माने ये नोटिफिकेशन जिसकी बात करें दोस्तों, बीच में अभी निकला था ना कि गजट में कि थोड़ा सा डिटेल निकली थी उसके बारे में, मतलब आप सबको पता होगा उसकी। सूत्रों की माने तो PEB ने पात्रता परीक्षा कराने की विभाग को मार्च की तारीखें अलॉट कर दी थी। ठीक है, मतलब मार्च अलॉट हो चुका था। इस बीच अध्यापकों के संविलियन की घोषणा हो गई, यानी यह मामला नहीं फंसता तो वैकेंसी निकल चुकी होती। ठीक है, संविलियन और भर्ती दोनों कैसे? प्रदेश में आखिरी बार 2012 में संविदाशाला शिक्षक भर्ती हुई थी। नियमानुसार हर 3 साल में भर्ती का नियम है, लेकिन 6 सालों से भर्ती नहीं हुई है। मंत्री और अधिकारी दोनों अध्यापकों के संविलियन के साथ भर्ती का भी दावा कर रहे हैं। हकीकत यह है, अभी संविलियन पर कानूनी राय मशवरा हो रहा है। 6 माह बाद विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगने वाली है, यानी तब तक अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन और नई भर्ती दोनों काम पूरे हो जाएंगे। इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज कम है। साथ में शिक्षक भर्ती की कार्रवाई पर क्या कहना है प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का और राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा का, हम चलिए देखते हैं। शिक्षकों की भर्ती तो करेंगे, उसकी कार्रवाई चल रही है, वह किस रूप में होगी यह सरकार तय करेगी। गजट में भर्ती का प्रारंभिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप क्या बेहतर होना चाहिए, कानूनी सलाह लेकर उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं अप्रैल में साफ होगी स्थिति, तो आचार संहिता अभी दूर है, शिक्षकों की भर्ती भी होगी, अध्यापकों के संविलियन के बाद इस पर भी देखेंगे कि कितने पद रह जाते हैं।
शिक्षकों की भर्ती पर अप्रैल में स्थिति साफ होगी, ऐसा कहना है दीपक जोशी जी का, जो कि राज्य मंत्री हैं स्कूल शिक्षा के। ठीक है, तो अप्रैल में स्थिति साफ होगी। दोस्तों जो भी न्यूज मुझे लेटेस्ट मिलेगी वो मैं आपके पास जरूर लेकर के आऊँगा, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जरूर आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटी का निशान होगा, उस बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें दोस्तों, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कंप्लीट न्यूज है जो मैंने आपके सामने रखा, आप देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया, न्यूज पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं या तो ई पेपर पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट न्यूज थी दोस्तों। तो अब देखिए क्या होता है, अप्रैल में इसकी स्थिति जो है साफ हो पाएगी, जो भी न्यूज मिलेगी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, आप वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।